अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सोमवार शाम को बेंगलुरु पहुंच गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीत गई है और ऐसे में उसकी कोशिश तीसरे मैच को जीतना है। बता दें, भारत और अफगानिस्तान के बीच तीनों मैचों की टी20 सीरीज का यह आखिरी मैच है। ये मैच 17 जनवरी यानी बुधवार को खेला जाएगा। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के लिए ये मैच काफी खास रहने वाला है। इस मैच में वह एक ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं जो अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं बनाया है। वह इस रिकॉर्ड से सिर्फ 6 रन दूर है। दरअसल विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने के बेहद करीब खड़े हैं। उन्हें टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत है। बता दें, टी20 में अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने यह आंकड़ा नहीं छुआ है। वहीं 12,000 रन का आंकड़ा अभी तक सिर्फ 3 बल्लेबाज ही छू सके हैं। टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गिल, शुएब मलिक और किरण पोलर्ड ने 12,000 रन बनाए हैं। क्रिस गिल ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 14,552 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के शुएब मलिक ने टी20 क्रिकेट में 12,993 रन बनाए हैं। वहीं वेस्टइंडीज के किरण पोलर्ड ने अभी तक 12,430 रन बनाए हैं। ऐसे में विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल होने के काफी करीब हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली टीम इंडिया के लिए अभी तक 116 मैच खेल चुके हैं। इन मैचों में विराट ने 52.42 की औसत दी है, 4,037 रन बनाए हैं। इस दौरान विराट कोहली ने 37 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। ये शतक उन्होंने अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ ही जड़ा था। वही टी20 क्रिकेट में उन्होंने कुल 8 शतक जड़े हैं।